बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम बच्चों की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं चोरस समोसा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही जायकेदार बनता है। तो आइए देखते हैं कि ये समोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहें। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग हद से ज़रूरत पानी ले लेंगे, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और इधर हम लोग लेंगे ये है तकरीबन 1 कप मैदा, और ये 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे हम समोसों के लिए सख्त दो घूनते हैं, अब हम ऐड करेंगे मैदा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा और नमक, ऑयल। अब ऐड करेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो को गून लेंगे। यूएस डो हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे साइड पे रख देंगे और स्टफिंग के लिए चीज़ें तैयार करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऑयल, हरी मिर्च 2 अदद, 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज और कुछ आलू बॉयल किए हुए। यूएस हम लोग कोई से भी बर्तन ले लेंगे, ये आपकी मर्जी, आप जो इन सभी साइज़ के ले रहे हो उसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल, इसी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च, प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, तो इसको हाथों की मदद से इस तरह पीस लेंगे। तो ये हम लोग फिलिंग के लिए तैयार करेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। तो अच्छा, सो मुख्तलिफ साइज के कुछ छोटे कुछ बड़े पेड़े कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो आप चलिए बना, सो सबसे पहले हम लोग बेलने की मदद से पेड़ों को बड़ा कर लेंगे और शेप हम इसे पूरा गोली देंगे। तो अब इसके अंदर फिलिंग करेंगे इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती हैं आपको तो आप मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने थोड़ी सी डाल दी। तो अब आप ये मेथड देखें किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने दोनों साइडों से पहले सेंटर से ज़रा सा चिपका देना है और फिर इस साइड्स को ज़रा बाहर की तरफ कर लेना और फिर इस तरह सा चिपका देना। सो गाइस, प्रोसेस मैंने आपको या मेथड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करना है। तो इसी तरीके से हम लोग अब दूसरे साइड से भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो बस इसी तरह हम लोग करते जाएंगे, इस तरह पहले फिलिंग करेंगे और फिर जो मेथड मैंने आपको बताया है उसी तरीके से करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, ये रेसिपी बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और आप इन्हें अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, तो बहुत ही चटपट बन जाती है। समोसे तो आप लोगों ने काफ़ी खाए होंगे लेकिन इस तरह की शेप शायद ना खाई हो, तो इसलिए ये स्नैक्स के साथ खाने के लिए अच्छी रेसिपी है। और साइडों से ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि ज़रा दुबाएंगे ताकि ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये खुल ना जाए। तो इस तरह हम लोग चोरस समोसे बनाएंगे। तो ये तैयार है फ्राई होने के लिए, तो ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसे ही कलर आ जाएगा तो हम लोग फिर पलटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह पलटाएंगे। तो माशाल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है। तो इस तरह ये तैयार हो जाएंगे। तो हम लोग निकालते जाएंगे और किसी भी प्लेट में, किसी भी डिश में रखते जाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर नए हैं चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहें। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।